केजीएफ 2 के मैसिव सक्सेस के बाद क्या आयुष्मान खुराना भी कर रहे हैं बॉलीवुड छोड़ टॉलीवुड फिल्में करने की प्लानिंग? आखिर क्या है पूरी बात, आइए आपको बताती हूँ। आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया फिल्मी और मैं हूँ आपके साथ रोशनी। इंडियन बॉक्स ऑफिस की अगर बात की जाए तो बैक टू बैक जिस तरह से साउथ की फिल्मों ने पैन इंडिया में प्रदर्शन किया है वो तो आप सभी ने देखा ही होगा। फिल्म ट्रिपल आर और केजीएफ 2 के मैसिव सक्सेस के बाद यही उम्मीदें लगाई जा रही है कि आने वाली जो पैन इंडिया फिल्में होने वाली है वो भी बॉक्स ऑफिस पर आग लगा देंगी। वहीं अगर बॉलीवुड फिल्मों की बात की जाए तो हालांकि भूल भुलैया 2 ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उसी के साथ रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म धाकड़ और अनेक ने बुरे से बुरा प्रदर्शन किया है बॉक्स ऑफिस पर। और अगर बात की जाए अनेक की तो रिसेंटली आयुष्मान खुराना की फिल्म अनेक जो कि बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है, इसने लास्ट फ्राइडे रिलीज होकर अभी तक सिर्फ 7 करोड़ रुपए तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है। हालांकि आयुष्मान खुराना की काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी इस फिल्म से, लेकिन वो पूरी तरह से अब पानी पानी हो गई है। ऐसे में फिल्मफेयर के साथ एक इंटरव्यू के दौरान जब आयुष्मान खुराना से ये पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि ट्रिपल आर और केजीएफ 2 जैसी फिल्में एक अलार्मिंग सिचुएशन है बॉलीवुड फिल्म मेकर्स के लिए, तो क्या था उनका रिएक्शन, आइए आपको बताती हूँ। आयुष्मान खुराना ने कहा कि उन्होंने कभी भी साउथ की फिल्में अभी तक नहीं की है, लेकिन वो ज़रूर करना चाहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि स्क्रिप्ट अगर उनके साथ रेजोनेट करती है, उन्हें पसंद आती है, तो वो बेशक साउथ की फिल्में करना चाहेंगे। उसके बाद आयुष्मान कहते हैं कि फिल्म की स्क्रिप्ट कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि उसे पूरी फैमिली थिएटर्स जाकर देख सके, पूरी तरह से एक एंटरटेनमेंट पैक फिल्म होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको अकेले ही देखनी पड़ी फिल्म तो आपके पास फोन में देखने का ऑप्शन तो है ही। ऐसे में आयुष्मान खुराना ने ये भी कहा कि गंगूबाई काठियावाड़ी एक बहुत ही अच्छी फिल्म थी जिसने अच्छा प्रदर्शन भी किया और उन्हें भी ये फिल्म काफ़ी पसंद आई, लेकिन ट्रिपल आर और केजीएफ 2 भी काफ़ी मैसिव हिट रही। अब ऐसे में जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि बीते कुछ समय से बॉलीवुड वर्सेस टॉलीवुड फिल्मों को लेकर काफी ज्यादा चर्चा बनी हुई है। ऐसे में ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि साउथ की फिल्में ज्यादा अच्छी हैं या फिर बॉलीवुड की। वहीं अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की भी बात की जाए तो बीते कुछ समय से जिस तरह से बॉलीवुड की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन कर रही है वो कहीं ना कहीं एक अलार्मिंग सिचुएशन बिल्कुल बन गया है बॉलीवुड फिल्म मेकर्स के लिए। वहीं अगर मीडिया रिपोर्ट्स की बात करो तो जो खबरें सामने आई है उसके आधार पर ये बता रही हूँ कि केजीएफ चैप्टर 3 के लिए ऋतिक रोशन को उस फिल्म में लेने के लिए बात चल रही है और ऋतिक भी इस प्रोजेक्ट के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। वेल, हम तो यही कहेंगे आयुष्मान से कि अनेक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से कुछ सीखिए और थोड़े नए स्क्रिप्ट्स पर काम करना सीखिए और किसी भी तरह से हेजिटेट मत करिए साउथ की फिल्मों में काम करने के लिए, क्योंकि साउथ की फिल्में अब सिर्फ एक रीजन के लिए नहीं रह गई है, वो पूरी तरह से पैन इंडिया आग लगा रही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि जिस तरह से साउथ की फिल्में बैक टू बैक अच्छा प्रदर्शन कर रही है, क्या बॉलीवुड एक्टर्स धीरे धीरे सभी साउथ की फिल्में ट्राई करना स्टार्ट कर देंगे? लेट अस नो योर व्यूज इन द कॉमेंट सेक्शन एंड कीप वॉचिंग फर्स्ट इंडिया फिल्मी।